आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2008 तक, यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे, 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में। लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपए हो गई। ले जाओ, बाद में मोदी आएगा रोएगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था, उसका लगभग 2 गुना लोन पिछली सरकार के 6 साल में। तेरा भी भला, मेरा भी भला। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अने नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था, वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था। बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को जट से अरबों खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम, सारे कायदा कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलीफोन।